अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर जो इस वक्त इजराइल की सुरक्षा के लिए गाजा पट्टी के पास में भूमध्य सागर में खड़ा हो गया है, उसने भारत को कौन सा संदेशा भेजा है? तो वहीं दूसरी तरफ चाइना की इकोनॉमी में सबसे बड़ा संकट और चाइना को अरबों डॉलर का नुकसान बड़े आराम से हो गया मात्र 8 दिन में, 170 बिलियन डॉलर डूब गए। तो वहीं भारत के लिए भी लक्ष्य सामने आ गया, 8% अगर भारत को आगे जाना है। तो जानेंगे किसने ये बातें कही है, जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना की इकोनॉमी किसी से छिपी हुई नहीं है और जैसे रियल इस्टेट सेक्टर इनका तबाह हुआ उसके बाद से तबाही लगातार रियल इस्टेट के छोटी बड़ी हर तरह की कंपनियों में दिखनी शुरू हो चुकी है। अब रियल इस्टेट के बाद बैंकिंग सेक्टर का भी समय आ गया है, पर इन सबके बीच में एक उम्मीद थी चाइना को और वो उम्मीद थी कि इनके गोल्डन वीक से इनको बहुत ज्यादा पैसे आएंगे। गोल्डन वीक जिसके तहत करीब 7 दिनों की छुट्टी मिलती है, 1 हफ्ते का छुट्टी होता है 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक, और चाइना उम्मीद लगाकर बैठा था कि यहाँ इस गोल्डन वीक में अच्छा खासा पैसा आने वाला है इनकी इकोनॉमी में। कारण गोल्डन वीक एक तरीके से एक कृत्रिम छुट्टी है जो चाइना की तरफ से दी जाती है, और इस गोल्डन वीक में जो शहरों में काम करने वाले लोग होते हैं वो गांव वापस आते हैं, जो बड़े शहरों में होते हैं वो छोटे शहर वापस आते हैं, लोगों का जमावड़ा लगता है, और जैसे ही लोगों का जमावड़ा लगता है हवाई जहाज की टिकटें, रेल की टिकटें, ट्रेन की टिकटें और बस वगैरह ये सारे से कमाई होनी शुरू हो जाती है, अलग अलग तरह का कमाई का साधन हो जाता है। जैसे कि हमारे त्योहारों में भी होता है, हम लोगों के यहाँ भी जब त्योहार मनते हैं तो लोग दूर दराज से घर वापस आते हैं, पर इस बार गोल्डन वीक को देखकर खुद ही परेशान हो गया चाइना। गोल्डन वीक तो खत्म हो गया, लेकिन इस खत्म होने के बाद जो आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों में ये बताया गया कि चाइना ने जो सोचा था कि इधर उधर से लोग आएंगे और ठीक ठाक कमाई होगी, वो कमाई भी नहीं होती हुई दिख रही है। और आपको बता दें, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि फॉरेक्स रिजर्व में 42 बिलियन डॉलर कम हो चुके हैं चाइना के, क्योंकि पहले से ही चाइना अपनी करेंसी और अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए अपने फॉरेक्स रिजर्व से पैसे निकाल रहा है और निकाल कर अपनी इकोनॉमी में झोंक रहा है, पर इसके बावजूद भी चाइना अभी स्थिर नहीं हुआ है। चाइना को ऐसा लग रहा है कि अभी और भी पैसे निकालने होंगे, जो चाइना को इस गोल्डन वीक से अरबों डॉलर की कमाई होनी थी वो कमाई होती हुई तो नहीं दिख रही है, पर हाँ एक चीज जरूर दिख रहा है कि अब चाइना को अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए करीब 130 से लेकर 170 बिलियन डॉलर तक निकालने पड़ेंगे अपने फॉरेन रिजर्व से, और निकाल कर इसे अपनी इकोनॉमी में डालना होगा। लेकिन ये भी एक आग से खेलने जैसा काम है, क्यों? क्योंकि पिछली बार भी जब रियल इस्टेट सेक्टर को लेकर पिछले साल ही इस तरीके की संभावनाएं आने लगी कि चाइना का रियल इस्टेट सेक्टर गिरेगा, तब भी यही किया गया और तब पैसे निकाल कर मार्केट में डाले तो गए, ये सोचकर कि रियल इस्टेट सेक्टर कुछ दिनों के लिए ये प्रॉब्लम है दूर हो जाएगा तो बिकेगा ही बिकेगा और पैसे वापस आ जाएंगे, पर वो परिस्थिति अभी तक संभाले नहीं संभल रही है। एवरग्रांड के बाद कंट्री गार्डन के बाद नए नए काइशा वगैरह आते जा रहे हैं लाइन पे। खैर, चाइना के लिए ये बहुत ही अजीब समय आ चुका है, चाइना स्थितियों को संभाल नहीं पा रहा है, पर भारत के लिए ये बहुत ही अच्छे संकेत है। हमने आपको कल ही बताया था कि किस तरीके से IMF ने भारत की जीत एक तरीके से पक्की कर दी है, और इसमें IMF ने ये कहा है कि भारत की ग्रोथ रेट तो अच्छी रहेगी, 6 के ऊपर रहेगी, लेकिन चाइना की ग्रोथ रेट 5% हम अभी मान रहे हैं, हो सकता है
है ये ग्रोथ रेट अभी और कम हो, यानी चाइना की इकोनॉमी में गिरावट तो तय है। लेकिन एक और संस्था ने, स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए आप, ये कहा है कि भारत को अगर चाइना को क्रॉस करना है ना और दुनिया में अपनी एक मजबूत पकड़ बनानी है तो भारत को अपनी ग्रोथ रेट रखनी होगी 8%। और 8% रखने के लिए भारत को दो तरह के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो विदेशों से इनके यहाँ हो, और दूसरा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट यानी घरेलू पैसे का लगना। इन दोनों के वजह से ही 8% की ग्रोथ रेट मेंटेन हो सकती है। और अगर 8% की ग्रोथ रेट मेंटेन करता है भारत तो चाइना को पार कर जाएगा और ग्लोबल इकोनॉमी में भी भारत का एक तगड़ा वाला हिस्सेदारी हो जाएगी। खैर, ये तो रही दुनिया की इकोनॉमी की बात। बात करें वही दूसरी तरफ, जैसा कि हमने देखा अमेरिका ने अपने युद्धपोत भेज दिए हैं और ये युद्धपोत भूमध्य सागर में गाजा पट्टी के करीब खड़े बताए जा रहे हैं। युद्धपोत के साथ साथ डिस्ट्रॉयर भी है, और कहा तो ये जा रहा है कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पानी के अंदर सबमरीन्स भी मौजूद होंगे और ये सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन होगा, ये तय है। अमेरिका ये क्यों कर रहा है? अमेरिका ये ईरान को समझाने के लिए कर रहा है और इस बात को कह भी रहा है कि कोई भी देश यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश ना करे। वैसे तो ईरान ये दिखलाने की कोशिश कर रहा है कि हम इस युद्ध में कहीं से भी शामिल नहीं हैं और इस झगड़े में हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन अमेरिका जानता है कि ईरान कहीं इस मौके का फायदा न उठा ले और इजराइल के ऊपर हमला न कर दे। अमेरिका सब कुछ खोना पसंद करेगा लेकिन इजराइल को खोना कभी भी पसंद नहीं करेगा। इसके कई कारण हैं। तो अमेरिका ने यहाँ पर युद्धपोत भेज दिए और अमेरिका ने यहाँ पर अपने युद्धपोतों के साथ साथ सबमरीन, एयरक्राफ्ट जो करीब 50 से 100 की संख्या में बताए जा रहे हैं, ये सब कुछ भेज दिया है। पर ये सारी बातें क्यों हो रही है? स्क्रीन पर एक तस्वीर देखिए। ये जो एक लंबी सी पूंछ देख रहे हैं, पानी की धार देख रहे हैं, और एक साधारण, जब तक ये आदेश नहीं मिला था अमेरिकी युद्धपोत को कि वो युद्धपोत की तैनाती करे गाजा पट्टी के पास, तब तक ये साधारण चाल से चल रहा था। और जैसे ही इसे आदेश मिला कि जल्दी से जल्दी गाजा पट्टी के पास पहुंचना है, तो आप देखिए इसके पीछे एक पानी की तेज धार बनी हुई है और ये बहुत ही तेजी के साथ चलने का सबूत है कि बहुत रफ्तार से ये एयरक्राफ्ट कैरियर आगे बढ़ रहा है पानी की धार को चीरते हुए। और इसके पीछे कारण है, कारण क्या है कि ये एक न्यूक्लियर ईंधन से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसे अपनी स्पीड को बढ़ाने की क्षमता है। काफी अच्छे स्पीड से ये पहुंचा है और ये इस वक्त पहुंचकर खड़ा हो चुका है गाजा पट्टी के पास वाले इलाके में, जिसको लेकर तुर्की ने कहा भी कि इतने सारे एयरक्राफ्ट और ये एयरक्राफ्ट कैरियर, इसके साथ साथ डिस्ट्रॉयर और संभवतः पानी के नीचे एक सबमरीन भी जरूर होगा, ये क्यों भेजा है अमेरिका ने? क्या अमेरिका यहाँ गाजा पट्टी में नरसंहार मचाना चाहता है? अब आपको बता दें, इन सारी चीजों से एक संदेश भारत के लिए भी गया है और वो संदेश ये है कि भारत को भी न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ ध्यान देना चाहिए। कितनी स्पीड से ये यहाँ आराम से पहुंच गया, इसे ईंधन की टेंशन नहीं लेनी है। भारत को अपने हथियार, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर इसी तरीके के बनाने चाहिए जो युद्ध में बढ़त दे सके। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।